नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको एक नई जानकारी देने वाले हैं, वो भी झाड़ू के संबंध में लेकर के। हमारे घर में छोटी सी छोटी वस्तुएं हमारे ग्रह से, हमारे जीवन के सफल उपायों में से जुड़ी रहती हैं। और हम आज आपको बताते हैं कि घर या ऑफिस में जब भी झाड़ू का काम ना हो तो उसे नज़रों के सामने से आप हटा दें। पूरे समय झाड़ू का देखना अच्छा नहीं माना जाता, खुले में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ये हमारी अच्छे ऊर्जाओं को घर के निकाल कर बाहर कर देती है। कई बार झाड़ू के टूट जाने पर लोग उसका उपयोग करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। वास्तु दृष्टि से यदि घर या ऑफिस की झाड़ू टूट गई है तो उसे तुरंत बदलिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को निमंत्रण देती है। हो सके तो झाड़ू को पश्चिम दिशा के किसी कमरे में रखें, इस दिशा में झाड़ू रखना अच्छा माना जाता है। झाड़ू को कभी खड़ा करके न रखें, खड़ी झाड़ू अपशकुन का कारण मानी जाती है, इसलिए इसे हमेशा ज़मीन पर लटाकर ही रखें। शाम के समय घर में झाड़ू कदापि न लगाएं, और अगर बहुत ज़रूरत है तो आप कपड़े से, किसी ऐसे कपड़े जिसे पोछा मारते हैं उससे बटोर करके रख लें, प्रातःकाल ही झाड़ू लगाएं। अच्छा नहीं माना जाता शाम को झाड़ू लगाना, रात में झाड़ू लगाना, इससे लक्ष्मी रूट जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि रात या शाम के समय घर में या ऑफिस में झाड़ू ना लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी के समान माना जाता है। ध्यान रखें, घर का कोई भी सदस्य झाड़ू को पैर से ना लगाए, यह लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इससे घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियाँ आती हैं। पुरानी झाड़ू बदलकर नई निकालने के लिए अगर आपको नई झाड़ू लाना है तो शनिवार का दिन ही चुनें। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना शुभ माना जाता है। और ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सफलता के उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।